कोई नहीं देख रहा है मुझे। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये फिर आ गई यहाँ। आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जी, क्या हुआ? डॉक्टर? ताई जी, क्या हुआ? ताई जी, क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्या हो गया? अच्छा, चप्पल वप्पल सुंघाओ कोई भैया? क्या चाचा जी? मम्मी, ये आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हो? देखा, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें मारना चाहती है। अब इससे पहले कि ये कुछ और हरकत करे, मैं इन्हें ले आके कमरे में बंद करूं। चले आइए, मेरी मदद करिए। हाँ ठीक, रहने दीजिए ना धैर्य सर। हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई, समझने का हेरा फेरी हो सकता है ना। कुछ नहीं बोलोगी तुम? बीच में कुछ नहीं बोलो, हट जाओ यहाँ से। अब कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं चिल्लाएगा। उठाओ इन्हें, चलिए। हाँ हाँ, धैर्य सर, इस बार छोड़ दीजिए ना, आगे से नहीं करेंगे। अरे हमको छोड़ो, हमें काहे बांध रखा है? अरे शुक्र मनाइए कि सिर्फ बांध के रखा है भी आपको, वरना मेरी बीवी को जो मारने की कोशिश करेगा ना, उसे मैं चांस। पापा रुक जाइए और मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो तुम? इनके अंदर कोई था, मैंने उसे बाहर निकलते हुए देखा। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Oh God! जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है।
पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।